हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको मथुरा कोटा के मध्य में चलने वाली नई मेमू लोकल ट्रेन के बारे में बताऊंगा। इस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। सो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आई बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन डाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में आज मैं आपको मथुरा जंक्शन से कोटा, कोटा से मथुरा जंक्शन के मध्य में चलने वाली नई लोकल मेमू ट्रेन के बारे में बताऊंगा। इस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेमू ट्रेन है, लेकिन आपसे जो पैसे लिए जाएंगे, जो किराया लगेगा, वो एक्सप्रेस कैटेगरी का लगेगा। और इसीलिए इस ट्रेन का जो नाम दिया गया, मथुरा से कोटा एक्सप्रेस मेमू ट्रेन का नाम दिया गया। और ये गाड़ी रिस्टोर की जा रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मथुरा से कोटा के मध्य में मथुरा कोटा होते और रतलाम के लिए गाड़ी चलती थी, मथुरा रतलाम पैसेंजर। तो रेलवे ने क्या किया कि मथुरा रतलाम के स्थान पर मथुरा से कोटा ट्रेन चलाएगा और कोटा रतलाम दो भागों में चलाएगा रेलवे। और आइए मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है, क्योंकि क्योंकि रेलवे ने पहले ही रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन को चालू कर दिया है, लेकिन यात्रियों की मांग पर और काफ़ी दबाव के चलते और रेलवे ने फिर से मथुरा कोटा के मतलब नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। और इसको नाम दिया रिस्टोर। रिस्टोर मतलब मथुरा से कोटा रिस्टोर की जा रही है ये आपकी रतलाम ट्रेन ही, क्योंकि जब ये ट्रेन आपकी मथुरा से कोटा चलेगी तो कोटा से कुछ समय रुकने के बाद और फिर ये ट्रेन आपकी रतलाम के लिए चली जाएगी। और रतलाम से जब आया करेगी तो रतलाम के फिर ये ट्रेन आपकी मथुरा जंक्शन आया करेगी। आइए देख लेते क्या रहेगा इस ट्रेन का ट्रेन टाइम टेबल। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बता दूँ इस ट्रेन को चलाने के रेलवे दो रैक का इस्तेमाल करेगा। एक रैक रहेगा जब ये ट्रेन आपकी मथुरा जंक्शन से सुबह चलेगी और कोटा पहुँचेगी दोपहर के 1:30 पर, फिर ये ट्रेन 1:40 पर कोटा से चल देगी रतलाम के लिए। और वापसी में जब ये ट्रेन आपकी रतलाम से चला करेगी तो रतलाम से जब चलेगी तब ये ट्रेन आने का समय रहेगा इसका, कोटा जंक्शन आने का समय रहेगा दोपहर के समय कोटा जंक्शन आया करी। और फिर उसी दिन ये ट्रेन आप शाम को 4 बजे कोटा जंक्शन से चलेगी मथुरा के लिए। तो इसमें लगभग दो रैक का इस्तेमाल करने की बात आ रही है सामने। हो सकता है इसमें रैक आगे भी बढ़ाए जाएँ, तो आगे भी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रेन को आप बदल भी सकते हैं या फिर रेलवे इसी रैक का इस्तेमाल कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल जब ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं जब ये ट्रेन आपकी मथुरा से कोटा चलेगी तो, और कोटा जंक्शन से बात करें चलने तो कोटा जंक्शन से 19109 नंबर के साथ चलेगी। कोटा जंक्शन से 7 फरवरी से चलना प्रारंभ हो जाएगी। कोटा जंक्शन से 8 फरवरी से मथुरा जंक्शन से चलेगी, 19110 नंबर रहेगा। आइए मैं आपको इस ट्रेन का पूरा ट्रेन टाइम बता देता हूँ। कोटा जंक्शन से शाम 4 बजे चलने का समय रहेगा और इसके बाद ये ट्रेन गुड़ला आने का समय रहेगा 4:12 पर, और केशवरायपाटन आएगी 4:22 पर, और नैथा आएगी 4:32 पर, कापरेन 4:44 पर, 4:54 पर ये घटकाय वरना पहुँचने का समय रहेगा। लवान पहुँचने का समय रहेगा 5:04 पर, लाखेरी 5:14 पर लाखेरी आ जाएगी। इंद्रगढ़ आने का समय रहेगा 5:26 पर इंद्रगढ़ आएगी। अम्बली आएगी 5:36 पर अम्बली। रवंजा डूंगर आने का समय रहेगा 5:44 पर। कुस्तला आ जाएगी 5:54 पर। सवाई माधोपुर जंक्शन आएगी 6:13 पर, यहाँ 2 मिनट खड़ी सवाई माधोपुर। रणथंबोर 6:24 पर आने का समय रहेगा। मुखोली आएगी 6:34 पर मुखोली। मलराना आएगी 6:44 पर निमोदा, 6:54 पर आएगी। और नारायणपुर टटवाड़ा आने का समय रहेगा 7:04 पर, 1 मिनट खड़ी रहेगी। लालपुर उमरी 7:14 पर। गंगापुर सिटी आने का समय रहेगा 7:50 पर, गंगापुर सिटी आएगी। 5 मिनट का स्टॉप दिया है गंगापुर सिटी। छोटी उदय आएगी 8:07 पर। फिलौदा आने का समय रहेगा 8:15 पर, और खड़दीप आने का समय रहेगा 8:23 पर। श्री महावीर जी 8:49 पर। इसके बाद ये ट्रेन सिकरौदा मीना आएगी 8:56 पर, 1 मिनट खड़ी रहेगी। हिंडौन सिटी 9:02 पर पहुँचे, 2 मिनट का स्टॉपेज देगा हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन। हिंडोरा आने का समय रहेगा 9:11 पर ढिंडोरा। फतेह सिंहपुरा 9:19 पर डुमरिया आएगी, 9:29 पर डुमरिया। बयाना जंक्शन आने का समय रहेगा 9:38 पर बयाना जंक्शन आएगी, 2 मिनट खड़ी बयाना। सालाबाद 9:46 पर, कैला देवी 9:52 पर आएगी। इसके बाद ये ट्रेन पिंगौरा पहुँचेगी रात के 10 बजे, यहाँ 1 मिनट का स्टॉप ही रहेगा। जयचोली 10:06 पर। सेवर आएगी 10:19 पर, 1 मिनट का स्टॉप है भरतपुर जंक्शन। 10:48 पर आएगी, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप ही रहेगा भरतपुर जंक्शन। धौरमई जगीना आएगी 11:02 पर। रान कुंड 11:08 पर। जाजन पट्टी 11:14 पर। और चुरामा नगरी 11:21 पे, 11:29 पे मुरैसी रामपुर आ जाएगी। और इसके बाद ये गाड़ी आपकी मथुरा जंक्शन जो है 12:10 पे, 12:10 तो काफ़ी टाइम हो गया, 12:45 के लगभग आ जाएगी आपकी मथुरा जंक्शन तक। तो ये टाइमिंग थी आपकी कोटा मथुरा। और जब मथुरा से गाड़ी चलेगी
और मथुरा सुबह 5 पे चलने का समय रहेगा, 5:09 पे मुरैसी रामपुर आने का समय रहेगा। चुरमान नगरी आएगी ये ट्रेन 5:15 पे, जाजन पट्टी 5:21 पे, रानीकुंड फरार 5:27 पे, धौलमई जगीना 5:33 पर पहुँचने का समय रहेगा। 5:43 पे भरतपुर जंक्शन आएगी, 2 मिनट खड़ी भरतपुर जंक्शन, सेवर 5:54 पहुँचने का समय रहेगा इसका। जयचौली आने का समय रहेगा 6:01 पर, 1 मिनट खड़ी आएगी। पिंगौरा आएगी 6:08 पर, पिंगौरा आएगी। कैला देवी आएगी 6:16 पर, 1 मिनट खड़ी रहेगी। सालाबाद आएगी 6:23 पर। बयाना जंक्शन आने का समय रहेगा 6:28 पर। डुमरिया आएगी 6:39 पर। फतेह सिंहपुर आने का समय रहेगा आप 6:49 पर। हिंडोरा हुकमी खेड़ा आने का समय 6:55 पर। हिंडौन सिटी 7:08 पर आएगी, 2 मिनट खड़ी है हिंडौन सिटी। सिकरौदा मीना 7:16 पर। श्री महावीर जी 7:24 पर। खंडदीप 7:32 पर। पिलौदा 7:49 पर। छोटी उदय 8:04 पर। गंगापुर सिटी 8:25 पर पहुँचे, यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है गंगापुर सिटी। लालपुर उमरी 8:38 पर। नारायणपुर टटवाड़ 8:49 पर। निमोदा आएगी 8:59 पर, 1 मिनट खड़ी। और मलाराना आई 9:09 पर। मुखोली आएगी 9:19 पर। रणथंबोर आई 9:34 पर। सवाई माधोपुर जंक्शन 10:15 पहुँची, 5 मिनट खड़ी सवाई माधोपुर जंक्शन। कुस्तरा आएगी 10:29 पर। और रवांजना डूंगर आएगी 10:49 पर। अमली आएगी 11:09 पर। इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी आएगी 11:29 पर। लाखेरी आने का समय रहेगा 11:39 पर। लवान आएगी 11:47 पर। घाटकर्णा आने का समय रहेगा 11:56 पर। कापरेन 12:06 पर। अरनेता 12:14 पर। केशवरायपाटन 12:29 पर। 12:44 पर गोंडा। और 1:30 बजे की टाइमिंग इसमें कोटा की रखेगी, लेकिन ये ट्रेन आपकी 1 बजे तक कोटा जंक्शन पहुंच जाएगी। तो ये ट्रेन है मथुरा कोटा, कोटा मथुरा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन आपकी 7 फरवरी से चलना प्रारंभ हो जाएगी। कोटा से मथुरा जंक्शन से 8 फरवरी से चलना प्रारंभ हो रही है। इस ट्रेन में आप जनरल टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। जो रैक रहेगा वो मेमू है, यानी लोकल मेमू ट्रेन है ये आपकी। देखिए ये जो ट्रेन है आपकी मथुरा रतलाम के स्थान पर चलाई जा रही है, क्योंकि मथुरा रतलाम सीधी ट्रेन नहीं है। तो इसी ट्रेन को रेलवे 2 भागों में चलाएगा, एक मथुरा से कोटा और फिर कोटा से रतलाम के लिए। तो ये मथुरा कोटा टाइम मैंने आपको बताया, और रतलाम कोटा रेलवे ऑलरेडी पहले ही शुरू कर चुका है। क्योंकि कोटा जंक्शन से जब ये ट्रेन रतलाम के लिए चाहिए तो 1:40 पर दोपहर में चलने का समय रहेगा, और ये गाड़ी लगभग 1 बजे तक आपकी कोटा जंक्शन पहुँच जाएगी। और जब रतलाम से कोटा आती है, तो रतलाम से जब कोटा आती है तब ये लगभग 1:30 बजे के आसपास आती है। इसके बाद ये ट्रेन शाम 4 बजे कोटा जंक्शन से चलेगी। तो ये 2 रैक का इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ 2 रैक में पूरी ट्रेन मथुरा से कोटा और कोटा से रतलाम के लिए चला करेगी। तो ये टाइमिंग थी आगे मथुरा कोटा अंधेर इस एक्सप्रेस ट्रेन के, जिस ट्रेन का संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई। और आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रेन संबंधी अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।